इन माय ऑनलाइन क्लास आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के अंदर चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो देखिए जितने भी मेटल्स होते हैं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उनके ऑक्साइड में बदल जाते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि किस तरह से मेटल अपने ऑक्साइड में बदलते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे सोडियम। तो सोडियम एक इस प्रकार की धातु है जो खुले में रखने पर तुरंत अपने ऑक्साइड में बदल जाती है, इसलिए अपन सोडियम को केरोसिन में डुबो के या फिर मोम से ढक के रखते हैं। तो देखिए सोडियम जो है 4 मॉलिक्यूल सोडियम के ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करते हैं O2 के साथ तो 2 NH2 यानी कि 2 सोडियम के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से देखिए जो आयरन है, आयरन जो 4 आयरन के जो मॉलिक्यूल से वो 3 ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ क्रिया करके 2 आयरन ऑक्साइड्स के मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। इसी तरह से जिंक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जिंक का ऑक्साइड बनाता है। इस तरह से एल्यूमिनियम है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो देखिए ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो दैट इज कॉल्ड केमिकल यानी कि ऑक्साइड्स बना लेते हैं यानी कि ऑक्साइड में बदल जाते हैं। तो इसमें सारे जो मेटल्स हैं अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब देखिए सोडियम की जो वैलेंसी 1 है ऑक्सीजन की -2 है तो इसलिए Na जो 1 है ये इधर आ जाएगा और इस तरह से 1 है इधर आ जाएगा और 2 इधर चले जाएगा तो Na हो जाएगा 2 बार और ऑक्सीजन हो जाएगा 1 टाइम तो इसलिए सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O है। इस तरह से एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है +3 ऑक्सीजन की -2 है तो 3 इधर चला जाएगा 2 इधर आ जाएगा तो Al2O3। अब इस तरह से अपन आयरन ऑक्साइड की अगर बात करें तो आयरन की +3 है ऑक्सीजन की -2 है तो ये इधर चले जाएगा 2 3 यानी कि Fe2O3 यानी कि आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला Fe2O3 है। तो हमने पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल यानी कि जितने भी मेटल्स हैं ऑक्सीजन के साथ तुरंत क्रिया करके मेटल के ऑक्साइड का निर्माण कर लेते हैं। मेटल की जो ऑक्साइड है मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर यानी कि मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं लेकिन कुछ मेटल के ऑक्साइड बट सम मेटलिक ऑक्साइड्स सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिड एसिडिक एंड बेसिक नेचर यानी कि ये इस प्रकार के ऑक्साइड हैं जो एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों तरह का व्यवहार करते हैं इसलिए इनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। सच मेटल्स ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। देखिए HCl अपने आप HCl है जो कि एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो बेस है ये आपको याद रखना है कि ये एसिड है ये बेस है। अब देखिए जो जिंक ऑक्साइड है इसमें और एक चीज जो ये याद रखना है कोई भी एसिड जब बेस के साथ क्रिया करता है तो वो साल्ट प्लस वाटर बनाता है साल्ट प्लस वाटर या H2O। तो देखिए इसमें ये एसिड है तो जिंक ऑक्साइड इसमें बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो इसने साल्ट बनाया वाटर बनाया यानी कि कोई भी पदार्थ अगर एसिड के साथ क्रिया करके साल्ट वाटर बना रहा है तो वो क्या है बेस है और अगर बेस के साथ क्रिया करके साल्ट वाटर बना रहा है तो वो क्या है एसिड है। तो देखिए ये एसिड के साथ क्रिया करके साल्ट वाटर बना रहा है तो जिंक ऑक्साइड किस नेचर का हुआ बेसिक नेचर का जबकि इसमें जिंक ऑक्साइड इसमें बेस के साथ क्रिया कर रहा है तो ये एसिडिक नेचर का हुआ और सोडियम जिंकेट बनाया इसने Na2ZnO2। इस तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अगर बात करें तो ये 6HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया करके तो एसिड के साथ क्रिया कर रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो इसका नेचर क्या है बेसिक नेचर की बेस एसिड साल्ट वाटर तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड अपने आप में साल्ट है। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसमें जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस के साथ क्रिया कर रहा है तो ये बेस प्लस एसिड बराबर साल्ट प्लस वाटर यानी कि सोडियम एल्यूमिनेट बना रहा है। तो इस प्रकार इनके जो नाम यहाँ पे दिए हुए हैं जिंक क्लोराइड जो कि साल्ट है सोडियम जिंकेट साल्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड साल्ट है और सोडियम एल्यूमिनेट जो भी साल्ट है। अब देखिए जनरली जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो वाटर के साथ डिजोल्व नहीं होते लेकिन कुछ मेटलिक ऑक्साइड इस नेचर के होते हैं जो वाटर के साथ डिजोल्व हो जाते हैं इनको उनको हम बोलते हैं एल्कली जैसे सोडियम के ऑक्साइड जो कि वाटर के साथ डिजोल्व हो जाते हैं और इसी तरह से पोटेशियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो भी वाटर के साथ डिजोल्व हो जाते हैं इसलिए इनको हम बोलते हैं एल्कली। तो एल्कली कौन है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों क्या है या सोडियम के ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड
एल्किली है क्योंकि ये डिजोल्व हो जाते हैं वाटर के साथ और डिजोल्व होकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं और हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। सेकंड अपन केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि मेटल रिएक्ट विद वाटर, मेटल वाटर के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं। तो मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड्स, यानी कि मेटल वाटर के साथ क्रिया करके उनके ऑक्साइड बनाते हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो मेटल वाटर के साथ क्रिया करके ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। देखिए सोडियम मेटल पानी के साथ जब वाटर के साथ क्रिया कर रही है तो सोडियम का ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रही है। इसी तरह से अब जो सोडियम का ऑक्साइड है इसको वाटर के अंदर और डिजोल्व करेंगे अपन तो ये सोडियम का हाइड्रोक्साइड बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक प्रकार का बेस है। तो मेटल के जो ऑक्साइड है बेसिक नेचर के होते हैं। कैल्शियम का ऑक्साइड वाटर के साथ डिजोल्व होके कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो मेटल ऑक्साइड्स आर सोल्युबल इन वाटर, मेटल के ऑक्साइड वाटर के अंदर सोल्युबल होते हैं और मेटल के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अब देखिए तीसरी जो है केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल की, मेटल रिएक्ट विद एसिड। तो मेटल एसिड के साथ क्रिया करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो धातु के अम्लों के साथ रासायनिक क्रिया, तो मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। देखिए मेटल एसिड सॉल्ट हाइड्रोजन, देखिए सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बराबर NaCl जो कि एक प्रकार का सॉल्ट है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो जितने मेटल्स हैं अधिकांश हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। H2 गैस इज नॉट इन्वॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। कोई भी जो मेटल है HNO3 के साथ क्रिया करके क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। इसका क्या कारण है देखिए, क्योंकि HNO3 क्या है, एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट ऑक्सीडाइज H2, जो H2 इवॉल्व होती है उसके साथ ये O के ऑक्सीडाइज हो जाता है और खुद वाटर बना लेता है, यानी कि H2 की जगह वाटर बन जाता है, वाटर प्रोड्यूस हो जाता है। एंड इट सेल्फ रिड्यूस्ड, ये खुद रिड्यूस हो जाता है ऑक्सीडाइज होकर टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड। और किसमें रिड्यूस हो जाता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड या तो NO2 या NO या NO2 में या N2O में, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ये खुद रिड्यूस हो जाता है। बट Mg यानी कि ये ऑक्सीजन को त्याग देता है तो H2 ऑक्सीजन के साथ एड होकर वाटर बना लेती है। अब देखिए इसमें बट Mg और Mn जो है वो वेरी डाइल्यूट यानी कि बहुत डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, इवॉल्व करते हैं। मेटल की जो चौथी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद अनदर मेटलिक साल्ट। यानी कि कोई भी मेटलिक साल्ट है जैसे जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, आयरन सल्फेट है, इस प्रकार के मेटलिक साल्ट में कोई मेटल उस मेटलिक साल्ट में से मेटल को कैसे डिस्प्लेस कर सकता है। तो देखिए जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं कैन बी डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस, यानी कि उसके सॉल्यूशन से जो मोर रिएक्टिव जो मेटल है वो उसको रिमूव कर सकती है। तो रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। देखिए जिंक और कॉपर सल्फेट की हम आपस में रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या हुआ, जिंक सल्फेट बन रहा। जिंक सल्फेट क्यों बना, कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यानी कि जिंक की तुलना में जिंक कॉपर की तुलना में ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा रिएक्टिव है। तो ऑल मेटल आर नॉट इक्वली रिएक्टिव, प्रत्येक जो मेटल है एक जैसे रिएक्टिव नहीं होते हैं। रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स, यानी कि जो रिएक्टिव मेटल जो लेस रिएक्टिव को अपने स्थान से डिस्प्लेस कर सकते हैं फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन, उनके सॉल्यूशन के अंदर। देखिए इसके अंदर हम कॉपर सल्फेट में आयरन की नेल को डुबो रहे हैं तो कॉपर सल्फेट में आयरन, यानी कि आयरन किसके साथ क्रिया करेगा, कॉपर सल्फेट के साथ। तो आयरन आयरन अधिक रिएक्टिव है इसकी तुलना में कॉपर की तुलना में, तो आयरन कॉपर को अपने स्थान से रिमूव करके क्या बना लेगी, आयरन सल्फेट, और कॉपर बाहर हो जाता है। तो इस प्रकार की रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहलाती है जो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा। देखिए हम कॉपर प्लस FeSO4, देखिए कॉपर FeSO4 दूसरी जो डी टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर FeSO4 के साथ जब क्रिया कर रहा है तो देखिए कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है किसकी तुलना में, आयरन की तुलना में। तो यहाँ कॉपर आयरन को अपने स्थान से रिमूव नहीं कर सकता और कॉपर सल्फेट बना भी नहीं सकता, इसलिए यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि यहाँ जो आयरन सल्फेट का जो कलर है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। जबकि इसमें
इसमें क्या हो रहा है, जो ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट है वो किसमें बदल गया, आयरन सल्फेट में। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। और ये कोई भी मेटल मेटलिक साल्ट में से अन्य मेटल को जब ही हटा पाएगा जब वो उस मेटल से ज्यादा रिएक्टिव होगा तब उसको रिमूवल कर सकता है, जबकि लेस होगा या कम रिएक्टिव होगा तो उसको हटा नहीं सकता।